बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज कितने बार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। 29 तारीख को बीजेपी के हेलीकॉप्टर से जब चिंतामणि महाराज रायपुर से कुसमी पहुंचे तो प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। कुसमी में हेलीकॉप्टर उतरने के बाद बकायदा बीजेपी के नेताओं ने चिंतामणि महाराज का स्वागत भी किया, लेकिन कांग्रेस विधायक ने अब तक आधिकारिक तौर से बीजेपी प्रवेश की घोषणा नहीं की है। उधर कुसमी में आज हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम और हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 22 अक्टूबर को ब्रजमोहन अग्रवाल चिंतामणि महाराज से मिलने बकायदा हेलीकॉप्टर से कुसमी और श्रीकोट पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद चिंतामणि महाराज ने अंबिकापुर से टिकट मिलने पर बीजेपी में शामिल होने की शर्त रखी। वहीं बीजेपी चिंतामणि महाराज को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने का भरोसा दिलाकर अपने पक्ष में समर्थन चाह रही है। इस बैठक के बाद ही बीजेपी की लिस्ट भी आई, जिसमें अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद चिंतामणि के भाजपा प्रवेश की अटकलों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया था, लेकिन इसके बाद जब 29 तारीख को एक बार फिर चिंतामणि महाराज बीजेपी के हेलीकॉप्टर से कुसमी पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।